नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर विनोद सिंह आपके लिए नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज मैं इस समय हूँ वाटर फ्रंट में। ये टाउन से कम ये समझ लिए आप कि ये टाउन से कम 7-8 किलो, ये जो डाउन टाउन है, तो ये समंदर है। अभी यहाँ पे ये सी साइड में खड़े हैं सारे बोट। ये प्राइवेट यॉट है, लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और ये समंदर के किनारे ये पत्थर देखिए आप, ये पत्थरों से भरा पड़ा है ये बीच सारा। और ये साइड में ये आगे बहुत बड़ा मॉल है और ये रोड है यहाँ की। अभी हमने यहाँ पे खाना खाया है, यहाँ पे बैठे थे हम और खाना खाया है। ये हमारे साथ आज जोशी जी हैं। ये जोशी जी ताज के शेफ है, ये इंचार्ज हैं ताज किचन के, तो देहरादून से बिलोंग करते हैं। फिर साहब ये यहाँ आ गया, फिर और भी लोग हैं यहाँ बहुत सारे। ये देखिए ये रोड आ गई यहाँ की। ये देखिए साहब, आज तो मौसम बड़ा खुश है, खुशनुमा मौसम है। चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है और ये पानी है समंदर में। ये देखे दोस्तों, तो फर्स्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें बथेरे भाई लोग ने बोला था यार ज़रा इसके बारे में भी बताओ। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है यार, दूसरा ब्लॉग बनाऊंगा तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूंगा। और तो फिर पहला टाइम जो वीडियो था वो थोड़ा ज़रा वो हिसाब से बन गया, पर आदमी धीरे धीरे सीखता है किसी भी चीज़ के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये है, ये समंदर का किनारा है वाटर फ्रंट। ये बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही एक्सपेंसिव है यहाँ पे वाटर फ्रंट। ये देखिए यहाँ से दूर दूर तक एक टापू, एक टाउन, ये बहुत बड़ा हुआ है, ये काफ़ी बड़ा एरिया है। तो बहुत ही खुश हो जाता है आदमी यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे कितनी अच्छी हवाएं चल रही है, बहुत प्यारा मौसम है, बहुत सुहाना मौसम है काफ़ी। ये आगे जो है ये बड़ा वो दिख रहा है आपको चौड़ा वाला, ये इंटरनेशनल स्टेडियम है फुटबॉल का। यहीं पे हुआ था जब 2010 में वो स्पेन और उसका हुआ था, स्पेन लेके गया था उस समय, तो इधर ही खेला था उन्होंने इस स्टेडियम में। तो उस समय बड़ा क्राउड था इधर। तो ये देखे दोस्तों, ये देखे, ये प्राइवेट यॉट है। ये लोग जैसे ही छुट्टियां पड़ती है, यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट प्लेस है, बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। पहला जो वीडियो था वो मेरा सी पॉइंट का था, तो वो दूसरी साइड थी। अभी का जो वीडियो है ये है वाटर फ्रंट का। तो वाटर फ्रंट में यहाँ पे टूरिस्ट लोग ज़्यादा आते हैं, यूरोपियन है, अमेरिकन है, एशियन है एंड ऑल अफ्रीकन है। सो इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड दिस कंट्री। दोस्तों देखिए, टूरिस्ट भी हैं यहाँ पे, घूमते रहते हैं। तो अब आगे ना जाके मैं अब पीछे आने वाला हूँ, क्योंकि आगे तो बहुत दूर हो गया है। अभी मैं देखो, ये हेलीकॉप्टर भी है, ये जो ऊपर उड़ रहा है हेलीकॉप्टर, ये जस्ट 100 रैंड में आपको 15 मिनट घुमाएगा ऊपर। इधर के 100 रुपये में वो 15 मिनट आसमान में घुमाता है वो। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ के पब्लिक भी है। सो मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कुछ पूछूँगा कि कुछ है यहाँ पे कि इनके बारे में। एक्सक्यूज मी मैम, आई एम सॉरी, प्लीज इफ यू वांट से समथिंग अबाउट द वाटर फ्रंट केप टाउन, आई एम मेकिंग द वीडियोस। आई थिंक इट्स बेस्ट प्लेस टू बी राइट नाउ। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो ये लोग बोल रहे हैं भाई हमारी कंट्री बहुत बढ़िया है, तो इनके भी रिव्यू मैं लेते रहता हूँ, फीडबैक क्या क्या बोलते हैं ये। तो दोस्तों ये देखो, ये देखिए आप,
बड़ी नीट एंड क्लीन कंट्री है। और आज तो मैंने मन बना ही लिया था कि भाई आज तो मौसम बढ़िया है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, तो ये यहाँ पे सीधा निकलती है, ये रोड काफ़ी आगे तक जाती है स्टेडियम के लिए अंदर को। चलो जी, तो अभी हमने यहाँ पे खाना खाया था, तो मैं तो सोच के आया था कि यार आज की वीडियो मैंने वाटर फ्रंट के लिए बनानी है। दोस्तों की बड़ी डिमांड थी, यार सुना है केप टाउन में वाटर फ्रंट किधर है, तो वाटर फ्रंट ये है भाई यहाँ का। ये मेरे को मैसेज करते रहते हैं दोस्त लोग कि भाई यार कभी वाटर फ्रंट का वीडियो भी डालो, तो उनकी फरमाइश पे मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई उल्टा थोड़ी ऐसे उसमें ब्लॉग बनाने में कुछ वो होगा तो यार प्लीज़ माफ़ करना, अब क्या करें अभी स्टार्टिंग से ही है। अच्छा अब जा रहा हूँ दोस्त, अब धीरे धीरे देखिए दोस्तों अब जा रहा हूँ मैं। ये बहुत बड़ा मॉल है ये जो वाटर फ्रंट का है ना, ये बहुत ही बड़ा मॉल है, ये जो सामने है काफ़ी बड़ा मॉल है। और कंट्री नीट एंड क्लीन है। अब मैं यहाँ से रोड क्रॉस करने वाला हूँ, रोड क्रॉस करूँगा फिर देखूँगा कि दोस्त तो पीछे रह गया है, दोस्त कह रहा मैं अभी आ रहा हूँ। तो इधर के लोगों से मैं फीडबैक लेता रहता हूँ, तो अभी मैं पूछूंगा हर किसी से कि भाई क्या क्या है, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है। और जैसे एक्सक्यूज मी मैम कैन यू से समथिंग अबाउट द केप टाउन द वाटर फ्रंट मेकिंग द वीडियो व्लॉग। वेरी आई डोंट हैव मच टू से। ओके, सो वेयर फ्रॉम मैम? आई एम ओरिजिनली फ्रॉम पिटोरिया। पिटोरिया? या ओसो सो व्हाट हाउ इज द पिटोरिया, इज अ नाइस, बेटर देन केप टाउन? और I guess Cape Town's better. Okay. It's better tourism. Okay. Nicer things to see. Yes, ma'am. Yeah. Thanks, very nice to meet you, ma'am. My pleasure. Thank you. हाँ तो देखो भाई इधर के लोग भी फीडबैक दे रहे हैं यार ये बहुत अच्छी कंट्री है। सो देखो भाई लोगों, अरे यार मुझे लग रहा मैं रॉन्ग साइड आ गया हूँ, मुझे यहाँ से क्रॉस करना चाहिए था स्टॉप से। ओके मैं बैक आ रहा हूँ, चलो मैं बैक आ रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैं जाऊंगा इधर को, इधर को जाएंगे अंदर को। अब गाड़ी वाले भी रोक नहीं रहे, स्टॉप तो कर दिया उन्होंने, मेरे को जाने को बोला है, फिर मैं जा रहा हूँ। ये आ गए साहब हम वाटर फ्रंट मॉल में। तो इधर के लोग भी बड़े फ्रैंक हैं, उनको कुछ भी पूछो तो मतलब वो जवाब दे देते हैं, बुरा नहीं मानते इस बात का कि मेरे को क्यों पूछ लिया कैसे पूछ लिया। बड़े टैलेंटेड लोग हैं, स्पेशली वाइट जो गोरे होते हैं यहाँ के, वो तो हर चीज़ हर बात का जवाब देते हैं, वो कोई वो नहीं रखते हैं। तो दोस्तों मैं अब आ गया हूँ यहाँ पे दूसरी रोड पे आगे, और ये भी बहुत बड़ा मॉल है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ नया बन रहा है यहाँ पे, तो इन्होंने कवर कर रखा है इसको। ये देखिए दोस्तों ये सामने है, बहुत बड़ा मॉल है, अभी मैं जाऊंगा मॉल के अंदर एंट्री कराऊंगा। ये देखिए ट्रैकिंग, काफ़ी बड़ा मॉल है, आज तो थोड़ा कमी दिख रहे हैं यहाँ पे लोग, बट एनी टाइम यहाँ पे बहुत भीड़ लगी होती है आमतौर पे। देखिए स्पेशली वाटर फ्रंट। अब मैं जा रहा हूँ, रोड क्रॉस कर रहा हूँ, ट्रैफिक सिग्नल भी लगा हुआ है, तो अब जा रहे हैं लोग यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और ये देखिए साहब ये एंट्रेंस है अंदर जाने का, तो मैं अब अंदर जा रहा हूँ, इसमें एंट्रेंस है, ये विक्टोरिया मॉल है, विक्टोरिया मॉल में, तो ये एंट्रेंस हो गया इसका।
अब जाते हैं हम यहाँ इसके अंदर, ये चक्री घूमती है। बड़े बड़े मॉल हैं, ये काफ़ी बड़ा मॉल है, तो बहुत ही बड़ा मॉल है ये वाटर फ्रंट का सबसे बड़ा मॉल है। हर प्रकार के लोग हैं यहाँ पे। तो आज तो दोस्तों मैंने मन बना ही लिया था कि मैं आज वाटर फ्रंट आऊँगा, थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग करने की सोच रहा था कुछ लूँ। अभी देखें देखें क्या लगता है, सोच रहा हूँ थोड़ी कुछ टी शर्टें ले लूँ, टी शर्ट वगैरह, तो अभी देखते हैं। फ़िलहाल तो घूम रहे हैं अभी, काफ़ी बड़ा मॉल है साहब ये, इसकी ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। जी हाँ ये बहुत ब्यूटीफुल मॉल है ये, और ये तो हर समय एकदम वो बहुत बिजी मॉल है ये, एकदम बिजी मॉल है। देखो हर प्रकार के लोग मिलेंगे यहाँ पे, अफ्रीकन, एशियन, अमेरिकन, यूरोपियन, हर फेस आपको अलग अलग नज़र आएगा, कोई सेम फेस नज़र नहीं आएगा, हर फेस अलग अलग है। वो देखो वो साइड में भी, ये साइड में हर फेस नज़र आ रहा है, ऊपर जा रहा है, जा रहा है, सारा कुछ है। और ये देखो काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। अब हम इसके अंदर चले गए, और अंदर है ये, अंदर ही अंदर बहुत बड़ा मॉल है ये, बहुत ही बड़ा मॉल है। यहाँ पे हर प्रकार के कपड़े मिलते हैं, हर चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पे, मिस्टर प्राइस है। ये देखिए, तो दोस्तों अब ये इतना अंदर है ये मॉल, बहुत अंदर, ऐसा लग रहा जैसे कि ये अंडरग्राउंड है, ऐसा लॉक महसूस हो रहा है। तो एक्सक्यूज मी मैम, यू वांट टू से समथिंग अबाउट केप टाउन? अबाउट केप टाउन यू वांट टू से समथिंग? इट्स फाइन, थैंक यू एमी सर। तो ये लोग तो नहीं बोल रहे हैं, बता रहे हैं यार अभी तो फिलहाल बोलता है। तो आइए दोस्तों, अब ये वीडियो लंबी होती जा रही है, और ये भीड़ भाड़ इलाके में मुझे आवाज़ बहुत शोरगुल बहुत हो रहा है, तो इसलिए वो बराबर आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ अच्छा जी, ये है साहब बहुत बड़ा मॉल है ये देखते हैं आगे, आगे से मैं राइट मारूंगा तो फिर देखेंगे क्या लेंगे, कुछ लेंगे। बहुत बड़ा मॉल है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ये देखिए साहब हर प्रकार के लोग मिलेंगे आपको यहाँ, ओके। ये देखिए साहब वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कुछ सामान खरीदूँ, आज छुट्टी है तो छुट्टी के दिन मैं हमेशा यहाँ आता हूँ अक्सर। अरे मैं कहाँ आ गया, अच्छा मैं वापस जा रहा हूँ वहाँ से। Okay.
ओके चले दोस्त, मिलते हैं बाद में। अगर ये वीडियो अच्छी आई, अच्छी तो खैर आई है, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, विनोद सिंह को सपोर्ट करें। और अभी अभी नया नया चैनल है विनोद सिंह का, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तब तक ले नमस्ते, गुड बाय।